दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम यामा का FZS बाइक चलाना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर दोस्तों यह है इसका प्यारा सा स्विच, इसको ऑन करते ही यहाँ पर आपका यह मीटर ऑन हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसके गियर की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसके साइड में यह आपका छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा गियर दे रखा है, जिसमें एक गियर आगे लगेगा, चार गियर पीछे लगेंगे, यानी पांच गियर लगेंगे टोटल। तो अभी मैं आपको देखिए बताता हूँ कि गियर कैसे लगाने हैं, ध्यान से समझना। एक नंबर ऐसे लगेगा दोस्तों आपका, डायरेक्ट आगे प्रेस करने से। उसके बाद पंजा हम इसके नीचे ले आएंगे और इसको ऐसे पीछे की ओर दबाएंगे, तो ये आपके इस प्रकार से गियर पीछे लगेंगे। अब इसको जैसे न्यूट्रल करना है तो ऐसे करके आपको न्यूट्रल करना होगा। तो ये आपका देखिए दोस्तों इस प्रकार से न्यूट्रल हो जाएगा, तो बाइक आपका एकदम फ्री हो जाएगा। अब देखिए इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। तो स्टार्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन दे रखा है, और यह आपको बटन ऑन करना पड़ेगा स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इसको दबाया, देखिए अब कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार मेरा क्लच दबाकर छोड़ दूंगा, उसके बाद आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। आप देखिए मैं इसको आपको रवाना करना सिखाऊंगा, वो ध्यान से समझना। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है दोस्तों बाइक को रवाना करते समय, तो यहाँ पे क्लच दबाना है और अपना गियर को एक बार आगे प्रेस करना है और स्टैंड को ऊपर कर देना है। तो ये मेरा यहाँ पर दोस्तों गियर लग चुका है। अब देखिए क्लच को मैं धीरे धीरे छोड़ूंगा, छोड़ता जाऊँगा, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद यहाँ पे देखिए आपका बाइक अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। आपको इस पॉइंट पर आके रुक जाना है, ठीक है, और थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ा देना है। जैसे बाइक पूरा चलना शुरू हो गया तो क्लच को पूरा छोड़ देना। अब जैसे हम गलती क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं गलती भी बताऊंगा आपको। मैं क्लच को अचानक छोड़ दूँ तो बाइक बंद हो जाएगा, और यदि एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा मैंने करके रखा है तो उछाल मार के गाड़ी भागेगा आगे और हमें चोट भी लग सकती है। तो ध्यान क्या रखना है, इसको धीरे धीरे छोड़ना। एक पॉइंट के बाद हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बाइक अपने आप रवाना हो जाएगा, ठीक है। जैसे बाइक प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगा तो हम क्लच को अपना पूरा छोड़ देंगे, ध्यान रखें। अब देखिए दोबारा स्टार्ट करना है तो क्लच दबा के रख लो और गियर में ही आपका बाइक स्टार्ट हो जाएगा। एक नंबर लगा रखा है ऑलरेडी हमने, तो अब मैं पूरा मेरा कंप्लीट रवाना करता हूँ। ओके दोस्तों, जैसे मेरा बाइक चलना शुरू हो गया तो मैंने पंजा नीचे डाला गियर के और पंजा ऊपर की ओर किया, तो आपका दो नंबर लग जाएगा। गियर लगाने का तरीका यह रह रहा है, देखो ध्यान से क्लच दबाया, उसी समय एक्सीलेटर पूरा कम कर देता हूँ, एक बार पंजा पीछे दबाया, ओके, तो ये एक गियर और लग गया है। क्लच छोड़ता हूँ और वापस से मेरा एक्सीलेटर मैं बढ़ा देता हूँ। आप देखिए मोड़ में आगे गाड़ी मोड़ना है, थोड़ा मोड़ आया है आगे, तो मैं क्या करूँगा एक्सीलेटर कम कर दूंगा और पीछे का हल्का सा ब्रेक दबाऊंगा। और आप देखिए जब स्पीड धीरे होगी तो आपको गियर को शिफ्ट डाउन करना पड़ेगा, तो मैं मेरा पंजा है जो आगे दबा दूंगा, गियर पे क्लच दबाया, पंजा आगे दबा दिया और गाड़ी ये आपका गियर शिफ्ट डाउन हो गया, ठीक है। वापस से एक्सीलेटर दिया, क्लच दबाया, पंजा पीछे की और नीचे डाल के खींचा, तो आपका एक गियर लग गया पीछे की ओर। उसके बाद यह आपका एक गियर और लग गया और यह फाइनली टॉप लग गया। अब रोकना है तो एक्सीलेटर पूरा कम कर दो और पीछे का हल्का हल्का ब्रेक दबाओ, तो बाइक धीरे होने पर क्लच दबा दो और पीछे का ब्रेक तब तक दबाए रखना है जब तक आपका बाइक एकदम पूरा रुक नहीं जाता है, ओके। तो यह रहता है दोस्तों आपका बाइक चलाने का तरीका। यह वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर बताएं, थैंक यू। दोस्तों यह बाइक चलाने का वीडियो आपको कैसा लगा, चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर लाना चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट करें। सुरेंद्र क्लेरी, थैंक यू।